फुल्की का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है, और यदि सामने फुल्की हो और भूख ना भी हो तो 2-4 फुल्की खाने में आ ही जाती हैं। तो क्यों ना हम एक अलग तरीके से फुल्की का पानी बनाना सीखें। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं खट्टा मीठा चटपटा हमें अलग तरीके से फुल्की का पानी कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने हरी धनिया पुदीना सबको अच्छी तरह से धो लिया है, साफ कर लिया है। एक मिक्सी का जार ले लेंगे। 50 ग्राम हमने कैरी ले ली है, कैरी को काट के छोटे पीसों में डाल लिया है। अदरक को डाल लिया है एक टुकड़ा। 8-10 हरी और लाल मिर्च, यदि आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो आप हरी मिर्च डाल लीजिए, और यदि ताजी कैरी नहीं है तो 2 चम्मच डाल लीजिए। 1 चम्मच कच्चा जीरा और 1 चम्मच सिका रोस्ट हुआ जीरा है। 1 चम्मच शक्कर डाली है, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भरकर सफ़ेद नमक, और सफ़ेद नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो जब पानी तैयार करेंगे उस समय भी डाल लेंगे। 1 चम्मच इमली का पल्प है, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम डालेंगे पुदीना की पत्तियां 50 ग्राम, धनिया की पत्ती 1 मीडियम साइज का नींबू का रस। अब थोड़ा सा पानी ले लेंगे, इसे डाल देंगे और एक अच्छा स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस मसाले को हमें दरदरा नहीं पीसना, जितना बारीक पीसेगा उतना ही अच्छा रहेगा। यदि दरदरा पीसेंगे तो नीचे पानी में जाकर जम जाएगा जब हम फुल्की का पानी तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से एक स्मूथ मसाला तैयार करना है। इसे अब हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब एक हम कांच का बर्तन ले लेंगे, इसमें हमने 1 लीटर पानी डाल लिया है। पानी हमने फ्रिज कर लिया है, चाहे तो आप रूम टेम्परेचर वाला ले लें, और जब फुल्की का पानी तैयार करें उस समय 10 मिनट के लिए रख दें। 3 चम्मच हमने ये मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे, और जो जार में थोड़ा सा मसाला रह गया था पानी डालकर इसे कर लेंगे साफ और डाल देंगे। 1/2 चम्मच करीब मसाला था इसमें। एक अच्छा पानी तैयार हो गया बनकर। अब हम आगे की प्रिपरेशन देख लेते हैं। एक घर की बनाई हुई बूंदी है, बाज़ार में भी आसानी से मिल जाती है, 10-15 ग्राम बूंदी ले लेंगे, इसे डाल देंगे। एकदम बारीक बारीक प्याज है, इसे डाल देंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज है, और यदि आपको सेम डे में इसे पानी को ख़त्म करना है तो प्याज डालें, और यदि 1-2 दिन पानी को रखना है तो प्याज ना डालें। धनिया से गार्निश कर देंगे, और ये सूखी लाल मिर्च और नमक का पेस्ट बनाया था 1/4 चम्मच करीब डाल देंगे। और ये हमने फुल्की में भरने के लिए मसाला तैयार किया है। 4-6 घंटे हमने मटर को गला दिया था, 5-6 सीटी ले ली और आलू उबाल लिए हैं। इसमें भी हम 1/2 चम्मच ये सूखी लाल मिर्च नमक का पेस्ट डाल देंगे, और जो हरी धनिया पुदीना का पेस्ट तैयार किया था उसे भी हम 1/2 चम्मच डाल देंगे। धनिया से गार्निश कर लेंगे। और ये लाल मिर्च है, रेगुलर लाल मिर्च है, चाहे तो आप कश्मीरी लाल मिर्च ले लें। फुल्की को स्प्रिंकल कर दें और काले नमक से स्प्रिंकल कर दें। एक अच्छा टेस्ट लगता है जब हम फुल्की खाते हैं। तो एक बढ़िया मसाला तैयार हो गया है और फुल्की का पानी तैयार हो गया है। फुल्की कैसे बनाना है आप इसी चैनल में जरूर देखें। फुल्की अब सर्व करने के लिए तैयार है। जो हमने आलू और मटर का मसाला तैयार किया था इसे अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा ही भरेंगे, अच्छा लगता थोड़ा ज़्यादा मसाला। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब्स नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब्स लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे जो वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंच जाए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब्स कर दिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। फुल्की एकदम सर्व करने के लिए तैयार है और टेस्टी टेस्टी पानी बन गया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और जो मसाला हमने हरी धनिया पुदीना का तैयार किया है उसे आप 2 महीने तक फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो उसे यूज कर सकते हैं। एक बार इस तरह से आप पानी ज़रूर बनाएं। और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।